देश का राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है उनको नहीं घुसने दिया तो आम दलितों की क्या औकात है उनके सामने। ये लाल झंडा जहां है वहां तो लड़ करके हम अपने अधिकार हासिल कर लेते हैं, लेकिन जहां लाल झंडा नहीं है आज भी वहां के दलित गरीब जो है दादा बाबू लोगों के सामने गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। मंदिर में नहीं घुसे राष्ट्रपति, मंदिर के बाहर सीढ़े पर कालीन बिछा करके राष्ट्रपति का पूजा अर्चना हुआ। अखबारों में ये बात नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर खूब वायरल हुई कि एक दलित राष्ट्रपति को पूरी दुनिया में कि कैसा लोकतांत्रिक देश है भारत, कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है भारत जहां के प्रथम नागरिक को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। और ये बेईमान हमें गरीबों को बांटने के लिए ये दंगा में उतारते हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू इनके लिए वोट है, इनके लिए दंगा करने का हथियार है, हिंदू जिनका कत्लेआम किया इन लोगों ने रणवीर सेना बना करके, वो दलित हिंदू नहीं थे, कौन कत्लेआम किया, इन्हीं दादा बाबू लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया, परमेश्वर सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रणवीर सेना का अगुवाई किया, इन्हों लोगों ने कत्ल किया, 36 जन संहार किया गरीबों की राजनीतिक दावेदारी को कुचलने के लिए। तो ये जनता के बीच हिंदू मुसलमान का भ्रम पैदा करके ध्रुवीकरण करके संप्रदाय ध्रुवीकरण करके